तो दोस्तों कई बार आपको भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलने को या फिर सुनने को मिलते होंगे, जैसे कि यह खाना खाने के लायक नहीं है, या फिर यह काम करने के लायक है, या फिर यह पानी पीने के लायक नहीं है। तो ये जो वर्ड है लायक है या फिर लायक नहीं है, तो इसको हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारी एडवांस इंग्लिश की बुक को परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने वाले स्ट्रक्चर को पर, जिसमें आपको यूज़ करना है वर्थ और नॉट वर्थ। अब देखिए आप इसे किस तरह से यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है अपना सब्जेक्ट, उसके बाद आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, और उसके बाद आपको वर्थ या फिर नॉट वर्थ, ये आपके टेंस के अकॉर्डिंग या फिर आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि आपको कोई काम करना है या फिर कोई काम नहीं करना है। और उसके बाद आपको अपनी वर्ब लिखनी है और उसमें आपको आईएनजी लगा देनी है, तब इसका मीनिंग निकलेगा कि कोई काम करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और अच्छे से इसे समझते हैं। तो देखिए हमारा पहला एग्जांपल है, वो इसमें क्या होगा, यह पानी पीने के लायक नहीं है। इसकी इंग्लिश देखिए, दिस वाटर इज़ नॉट वर्थ ड्रिंकिंग। अब यहाँ पर देखिए, दिस वाटर आपका सब्जेक्ट है और उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद ये लायक नहीं है तो नॉट वर्थ लिखा है मैंने, और लायक होता तो वर्थ लिखता, और उसके बाद ड्रिंक में आपकी आईएनजी लगाकर मैंने ड्रिंकिंग इसे कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, यह काम करने के लायक है, दिस वर्क इज़ वर्थ वर्किंग। यहाँ पर मैंने नॉट नहीं लगाया है क्योंकि लायक है। यह खाना खाने के लायक नहीं है, दिस फूड इज़ नॉट वर्थ ईटिंग। तो इस तरह से आप भी अपने सेंटेंसेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अब आपकी प्रैक्टिस के लिए है, वह बात करने के लायक नहीं है, तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताना है।